सबसे पहला सवाल यही होगा कि 2023 से आपकी उम्मीदें क्या हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के। बड़े सारे इवेंट हैं, इक्विटी को लेकर के अनसर्टेनिटी है, बजट आने वाला है, 2023 से आपकी उम्मीदें? देखिए 2023 से अगर हम देखें जिस तरह से सिनेरियो रहा है, पहली बात तो निवेशकों का जो भरोसा है म्यूचुअल फंड पर वो 2023 में भी बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता वो घटेगा, वो और बढ़ेगा। और जिस हिसाब से हम इन्फ्लोज देख रहे हैं, मेरी राय में ये इन्फ्लोज आगे चल के और बढ़ेंगे, पहला तो ये। दूसरा, बजट में एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है बजट में कुछ अच्छा है, अगर आता है कुछ टैक्सेशन को लेके, कैपिटल गेन टैक्सेशन को लेके, तो वो बाजार के लिए अच्छा हो सकता है और निवेशकों के लिए भी। तीसरा, डेट, अगर हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखें तो डेट फंड अच्छे लग रहे हैं 2023 के अंदर, तो ओवरऑल पिक्चर म्यूचुअल फंड के लिए अच्छी है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है, और वो भरोसा निरंतर बढ़ रहा है, और 2023 में भी मुझे उम्मीद है कि निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड पर और बढ़ेगा। निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है 2023 में। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सवाल हैं, तो पहले उन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, गया बिहार से हैं। राजीव जी नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार राजीव जी, नमस्कार विपुल जी, नमस्कार कैसे हैं सर राजीव जी आप, और क्या प्रश्न है आपका? सर। हम बढ़िया हैं सर। हमारा प्रश्न ये है कि सर, मैं 15 साल के अपने बच्चे की शिक्षा और रिटायरमेंट के लिए 2017 से निवेश कर रहा हूँ, जी तो एक बड़ी रकम के लिए क्या मेरा पोर्टफोलियो सही, क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो भी आपको भेजा हुआ है अपना, जी जी कृपया जरा इसे देखिए सर, बताइए मुझे थोड़ा। चलिए ठीक है, हम जरा सबसे पहले नज़र डालते हैं राजीव जी का पोर्टफोलियो क्या कुछ कह रहा है, कैसा उनका पोर्टफोलियो है, बच्चे की शिक्षा के लिए इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, अब इन्होंने कहाँ कहाँ निवेश किया है ये जरा नज़र डाल लेते हैं। इनका निवेश है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में, यहाँ पर ये 5,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में इनका निवेश है करीब 3,000 रुपये के आसपास। इसके अलावा आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड में 2,000 रुपये हर महीने निवेश कर रहे हैं। SBI ब्लू चिप फंड में 2,000 रुपये हर महीने लगा रहे हैं। निपॉन स्मॉल कैप फंड में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इक्विटी पे भरोसा इनका है, और लार्ज कैप फंड इनके इन्होंने 2 ले रखे हैं। आपकी सलाह क्या होगी जितेंद्र जी, ये अपने बच्चे की शिक्षा के लिए इन्होंने ये निवेश किया हुआ है, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखिए, इन्होंने जो नंबर ऑफ फंड्स ले रखे हैं, मेरी राय में पहले उस फंड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, 4 फंड्स तक आप सीमित रखें इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। और कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब लॉन्ग टर्म बनाया जाता है तो ये हमेशा देखा जाए कि आप कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिपीटिशन ना हो। अगर मैं चेंज करने की बात कहूँ तो कोटक फ्लेक्सी कैप को चेंज करके ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, क्योंकि PPFAS काफी डाइवर्सिफाइड है, इंटरनेशनल इक्विटी में भी एक्सपोजर लेता है, तो इनको वो डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में मिलेगा। तो मेरी राय में ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका डाइवर्सिफाई हो सकता है अगर ये चेंज करें, और प्रोबेबली जो 2 लार्ज कैप फंड है उसमें से 1 लार्ज कैप फंड को लेके चले, तो इनका पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफाई होगा, लार्ज मिड स्मॉल और इंटरनेशनल इक्विटी भी थोड़ा ये ऐड कर पाएंगे, तो तब एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो इनका बनेगा, तो ये थोड़ा सा ये चेंज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो ये थोड़ा सा बदलाव आपको करना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले दर्शक के पास चलते हैं, हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हैं चंदन जी। चंदन जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार चंदन जी, कैसे हैं आप, और लखनऊ के मौसम का मिजाज बताइए हमको, कैसा है वहाँ पर? जाड़ा काफी ज्यादा है। जाड़ा काफी ज्यादा है, चलिए अच्छी बात है, ठंड में थोड़ी सी ठंड होनी भी चाहिए, ज्यादातर समय तो हम देखते हैं गर्मी देखने को मिलती है। और बनी नारायण के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको, क्या सवाल क्या है आपका सर, बड़ा विस्तृत सवाल भेजा है आपने। जी मेरा गिल्ड फंड पर है सवाल, एनपीएस के जरिए एक्चुअली निवेश कर रहा हूँ मैं। एनपीएस के जरिए निवेश कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है। 35 साल उम्र है मेरी। जी जी ठीक जी। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि समय जैसे ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं, जी तो इस समय क्या मुझे निवेश एनपीएस में बढ़ा देना चाहिए? अच्छा, तो आपने आपका सारा निवेश गिल्ड फंड के इर्द गिर्द ही है या और भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने? नहीं, अभी फिलहाल तो एनपीएस में ही है, गिल्ड फंड में ही। अच्छा, एक्चुअली आज जो भी निवेश था वो मैंने अभी 3 से 3.5 लाख रुपए का इक्विटी में वो सब मैंने निकाल दिया है, सेल कर दिया था। अच्छा, वो निकाल दिया आपने अब। जी चलिए पूछते हैं यहाँ पर चंदन जी का जो सवाल है, यहाँ पर सवाल ये है सोलंकी साहब कि एक तो इन्होंने सारे पैसे इक्विटी के अंदर, शायद इनको ज़्यादा वॉलिटिलिटी लग रही हो,
जो 2-3 लाख रुपए जो इनके पास थे वो इन्होंने इक्विटी से निकाल करके और जो है यहाँ पर इन्होंने पैसे इन्होंने लगा दिए। कई सारे सवाल इन्होंने लिखित रूप से हमें भेजे हैं, हम चाहेंगे जरा फटाफट उन सवालों पर नज़र डालें, शायद उतने विस्तृत तरीके से इन्होंने लिखा है उतना पूछा नहीं इन्होंने। इन्होंने पहला सवाल ये पूछा है कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो क्या गिल्ट फंड में निवेश बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दरें गिने तो क्या गिल्ट फंड में निवेश कम कर देना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट या इक्विटी वाला कर चुके हैं, तो ऐसे में ये जो रणनीति होती है वो कितनी सही होती है, क्योंकि जैसे अगर बाजार में वॉलेटिलिटी है तो सारे पैसे निकाल लो फिर कहीं लगा दो, क्या इससे लॉन्ग टर्म रिटर्न में कोई फ़र्क पड़ता है, और ये जानना चाह रहे हैं 20 साल के नज़रिए के लिहाज से इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सही है। गिल्ट फंड आपका एक कैटेगरी है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको गिल्ट फंड से निकलना वापस निवेश करना ये जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक औसत रिटर्न क्या मिलता है उसको रिटर्न को आप कंसीडर करें और तब गिल्ट फंड में निवेश करें। तो गिल्ट फंड का अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटर्न देखूं जो 10 साल का रहा है, 10 से 15 साल का रिटर्न तो 8 से 9% के बीच रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म रिटर्न है तो जब हम लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड को हम कंसीडर करते हैं तो एक एसेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो कंसीडर करते हैं और कहीं ना कहीं डेट कैटेगरी की तरफ ही हम गिल्ट फंड का निवेश कंसीडर करते हैं। तो इक्विटी के मुकाबले लॉन्ग टर्म रिटर्न जो है गिल्ट फंड का कम रहता है। लेकिन गिल्ट फंड जिस तरह की कैटेगरी है, देखिए जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं तो गिल्ट फंड का आप देखेंगे रिटर्न कम होता है। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ब्याज दरें बढ़ने पे उनके प्राइसेस गिरते हैं और जैसे ही ब्याज दरें कम होती है उनके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो गिल्ट फंड आप देखेंगे जब भी हाई राइज इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है तो गिल्ट फंड का जो रिटर्न है वो कम होगा, लेकिन रिवर्स सिनेरियो में गिल्ट फंड का रिटर्न बढ़ जाता है। तो जैसे अभी का सिनेरियो लें तो अभी का एक अच्छा निवेश हो सकता है गिल्ट फंड में। अगर आप 3-4 साल का होराइजन कंसिडर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे और गिल्ट फंड अच्छे रिटर्न देंगे तो मैं गिल्ट फंड से निकल जाऊंगा, लेकिन ये रिटर्न लॉन्ग टर्म की स्थिति से नहीं है। ये रिटर्न जब अगर आप एडिशनल कुछ रिटर्न कमाना चाहते हैं किसी कैटेगरी से तो उसके लिहाज से ये अच्छा निवेश हो सकता है और सही समय हो सकता है गिल्ट फंड में एंटर करने का, लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड में एंटर करने का, और जो आपको अगले 4-5 साल के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग अपने एसेट एलोकेशन में कंसिडर कर रहे हैं तो उसको एसेट एलोकेशन की तरह ट्रीट कीजिए और लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड में 8-9% का रिटर्न है उसको लेकर चलिए। लेकिन ये जो रणनीति रहती है कि अब बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है क्योंकि प्लानिंग ये कर रहे हैं रिटायरमेंट की, और ये हर साल 2 साल बाद अगर ऐसी स्थिति आए तो तुरंत सारे पैसे निकाल देना फिर जहां ज़्यादा प्याज मिल रहा है वहां जाना, ये रणनीति आप सही मानते हैं? नहीं, मेरी राय में मार्केट को टाइम करना अच्छी रणनीति नहीं है, चाहे वो डेट मार्केट हो चाहे इक्विटी मार्केट हो। आप एक कोर पोर्टफोलियो बनाते हैं जो आपके रिटायरमेंट में एक अच्छा कॉर्पस जमा कर देगा, उसके अंदर आप एसेट एलोकेशन करते हैं जिसमें गिल्ट फंड भी हिस्सा हो सकता है। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहें जिसको आप ऐसे मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को लेके आप रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इस तरह का आप एक अलग से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये मेरी राय है। इसको आप अलग से एक सैटेलाइट, हम जिसको बोलते हैं ना कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना दिया जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को लेके आप रिटर्न कमा सके, उसके अंदर आप इस तरह के टाइमिंग को करिए। कोर पोर्टफोलियो को जो आप रिटायरमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ही सोच के चलिए। तो चंदन जी, आपके लिए एक तो जो आपके प्रश्न थे गिल्ट फंड को लेकर के, तो जैसा बताया 8-9% औसत रूप से और अभी आगे आने वाले समय में जो है 2.5 तक के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे पैसे रिटायरमेंट के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो आप इस तरीके से स्विच मत कीजिए। और कोई भी जो हमारे दर्शक हैं, एक जगह एक एसेट एलोकेशन अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बनाइए। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे आ गए हैं और उसको आप चाहते हैं कि बाजार में जब जहाँ जैसी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, जिसका जिक्र अभी जितेंद्र जी कर रहे थे उसे सैटेलाइट एलोकेशन कहा था, वो आप उन पैसों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन जो पैसे आप रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं उसको फिर सुरक्षित निवेश ही रखिए और अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन करिए आप।